हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो गाइस आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D। और आज यहां पे तो दो लोकोमोटिव निकलते हैं, डबल हुडिंग जिन्हें बोला जाता है। डबल हुडिंग के साथ जो लोकोमोटिव यहां से निकलते हैं जो कभी रुकते नहीं है, वो मतलब यहां से निकलेंगे, आएंगे, जाएंगे, लेकिन कभी रुकते नहीं है। सुपर फास्ट 120 के लगभग स्पीड में वो यहां से निकलते हैं। तो आज हम उन्हीं को कैच करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि हम वो यहां पे कुछ तो भी करके यहाँ पे रुक जाए। वैसे तो हमने कई बार सिग्नल को रेड किया है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते, इसलिए हमें उन्हें कुछ भी करके उन्हें हम डीकपल करने की कोशिश करेंगे। मतलब दोनों लोकोमोटिव जो है उनको आपस में डीकपल करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत ही क्रेजी वीडियो होने वाली है। मेरे पास कुछ आइडिया है जो कि मैं करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले या तो हम सबसे पहले उनके ऊपर जंप कर लें, जो फुटब्रिज ऊपर है इसके ऊपर हम जाएं ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पे जब वो आए तो उनके ऊपर जंप कर लें। बट प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनके ऊपर जंप करते हैं और वो एक तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है और वो दो कोचेस दो लोकोमोटिव रहते हैं तो वो बहुत छोटे रहते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं नीचे से। लंबी ट्रेन हो तो हमारे पास टाइम ज्यादा रहता है। देखो मैं यहाँ से जंप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा, आगे पीछे होके मुझे ये देखो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे मैं जंप कर पाया, आगे पीछे होकर करना पड़ता है। लेकिन इतने में तो वो लोकोमोटिव निकल जाएंगे। अगर हम इस भरोसे बैठे कि यहाँ तो ऊपर से जंप करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किस्मत का खेल है। हो सकता है हम नीचे कूद भी जाएं लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि कूद पाएंगे इतनी जल्दी, वो नीचे जल्दी से नीचे से निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आगे चलते हैं सिग्नल के पास। सिग्नल पे हम कर देंगे सिग्नल को रेड। और बट प्रॉब्लम ये भी है, हो सकता है अभी जो पीछे से आएगी, हो सकता है वो डबल लोकोमोटिव ना आए, कोई ट्रेन आए, लेकिन जो भी हो हमें उसे रोकना। वैसे तो हम चाहेंगे कि वो डबल लोकोमोटिव आए जिनके साथ हम स्कैम कर पाए, उन्हें डीकपल कर पाए। और ठीक है, अब देखते हैं क्या है, जो भी हो। लेकिन हम मैनुअली सबसे पहले तो हमें सिग्नल जो है उसको रेड करना हुआ, क्योंकि कई बार ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड रहता है लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है ग्रीन हो जाता है और ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे हमने मैनुअली इसको रेड कर दिया, अब ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। बाकी अब ट्रेन का वेट करते हैं। हॉर्न की आवाज़ आ रही है, पास से कोई ट्रेन निकलने वाली है और यहाँ पे देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ICF कोच के साथ यहाँ पे बगल से कोई ट्रेन निकल के जा रही है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार रेड कर देते हैं ताकि यहाँ पे ट्रेन जो आई है वो रुक जाए। और यहाँ पे ट्रेन आई के नहीं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कोई महामाना एक्सप्रेस आई है वैकोल लोकोमोटिव के साथ, पास से कोई ऐसे पूछ वाली ट्रेन यहाँ से निकल के जा रही है। सुपर फास्ट स्पीड में यहाँ पे रुकी नहीं है लेकिन हमें महामाना एक्सप्रेस को रोकना है, कुछ भी हो रहा है। वैसे हम चाह रहे थे कि यहाँ पे डबल लोकोमोटिव आए यहाँ पे, लेकिन वो तो नहीं आए, लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी महामाना एक्सप्रेस आ गई। तो चलो इसी के साथ स्कैम कर लेते हैं। रेड सिग्नल हमने कर दिया है, वैकोल लोकोमोटिव ने ब्रेक लगाया लेकिन स्पीड को शिट मैन, अभी यहाँ पे ये क्रॉस कर चुकी है सिग्नल को, इसीलिए अभी ये रुकेगी नहीं, स्पीड पकड़ेगी, हम इस पर चढ़ जाते हैं। वो चढ़ जाने दे, नहीं सिट यार, चढ़ने ही नहीं दिया। डीकपल का ऑप्शन अभी आ रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर ही नहीं चढ़ पाए। चलो कोई इशू नहीं है, एक काम करेंगे, अब जैसे ये ऊपर चढ़ेगी ना ब्रिज के ऊपर ये ट्रेन, तो हम जैसे मतलब बीच में नहीं पहुंच पाएगी, सेंटर में ये नहीं पहुंच पाएगी। जब ऊपर चढ़ रही होगी ये ब्रिज के ऊपर, घाटी पे होगी, ढलान के ऊपर जब होगी तब हम इसको डीकपल कर देंगे। इससे होगा ये, फिर हम देखेंगे कि आगे वाली ट्रेन तो निकल जाएगी, कोच को लेके चला जाएगा जो लोकोमोटिव है, लेकिन पीछे वाले जो कोचेस हैं क्या वो पीछे धड़क जाएंगे या फिर ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये रहा दरवाजा, ऊपर चढ़ जाने दे यार, बस एक बार चढ़ने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए इसमें। चढ़ जाने दे, यहाँ पे गेट कहाँ गया यार, गेट गायब हो गया। यहाँ पे चढ़ 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 चढ़, नहीं यार ये आगे भी गेट है, इस पे चढ़ के देखते हैं। यहाँ पे चढ़ 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 चढ़, ओ नहीं यार, ओ माय गॉड, ओ सेट 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 यार। गाइस यहाँ पे आप देखिए डीकपल का ऑप्शन गायब हो गया। अरे यार यही प्रॉब्लम होती है इसमें, डीकपल का ऑप्शन कुछ टाइम तक रहता है उसके बाद ही गायब हो जाता है। यहाँ पे हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं चढ़ने की, लेकिन यहाँ पे नहीं चढ़ पा रहा है। अंदर का पूरा देख सकते हैं आप, सारी की सारी सीटें खाली डली हैं, पूरी सीट हमारी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे महामाना एक्सप्रेस काफी तेज जा रही है। अब देखो अगर यहाँ पे हमने हमारी ट्रेन को अगर छोड़ दिया महामाना एक्सप्रेस को, तो यहाँ पे हम फंस के रह जाएंगे क्योंकि हम जंप भी नहीं कर पाते ब्रिज के ऊपर से, दोनों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ चिपक के रहे महामाना एक्सप्रेस के, तो ये आगे तक हमें खींच के ले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश यही करेंगे, एक तो चढ़ते रहेंगे इसमें और यहाँ पे इसके साथ चिपके रहेंगे तो हम आगे पहुंचे। ये देखिए ये कितनी जल्दी मुझे नीचे ले आई, घाटी उतर रही है अभी महामाना एक्सप्रेस, तो यहाँ पे इसके साथ हम जा रहे हैं ऊपर, तो ये बैठ रही नहीं, तेरा सिट का ऑप्शन आ रहा है तो सिट का बटन दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भी व्यू दिखेगा, यहाँ पे ये सिट का बटन दबाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बार बार सिट का ऑप्शन आ रहा है ये देखिए, लेकिन वो मतलब ब्लिंक हो रहा है, बार बार मटक रहा है तो क्लिक नहीं हो पा रहा सही तरीके से। लेकिन गाइस अब हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये अब आगे जाएगी ट्रेन, और मतलब आगे चली जाएगी, और यहाँ पे सिट का ऑप्शन आ रहा है इसे दबा देते हैं। ये देखिए
यहाँ पे ट्रेन के अंदर हम आ चुके हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कोई यहाँ पे खाई आने वाली, यहाँ पे जो जमीन है ट्रैक है वो गायब हो रहा है। अगर हमें इसमें बैठे रहा है तो हम नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टैंड का ऑप्शन दबा देते हैं और वापस हम ट्रैक पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम बैठे थे। इसमें यही होता है कि अगर आप जेन्युइन तरीके से ट्रैक में वो ट्रेन के अंदर गेट पे से जाके नहीं बैठते ना, और आप ऐसे ही बाहर से कहीं पे सीट का ऑप्शन दबाते हो, तो आप जैसे ही उस पर स्टैंड का बटन दबाओगे ना, जैसे अभी स्टैंड लिखा रहा है, जैसे ही स्टैंड का बटन दबाते हैं तो वापस वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से हम बैठे थे, ठीक है। यहाँ पे नीचे नहीं उतरूंगा बल्कि वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं बैठा था। ये नहीं 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 नहीं, ये देखो बिल्कुल खाई आ गई, तो वहाँ पे ट्रेन गिरने वाली थी तो हम जल्दी से बैठ गए। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेन और बन के तैयार हो चुकी है, यहाँ पे ट्रेन गई सीधी और खाई में गिर गई, लेकिन वहीं पे एक ट्रेन और बन चुकी है वह फुल लोकोमोटिव के साथ। देखेंगे कौन सी ट्रेन है, यहाँ पे वेट करेंगे इसके पास आने का, और आज इसी के साथ स्कैम करेंगे। वो वाली ट्रेन तो आज से निकल गई, अगर वहाँ पे लोकोमोटिव आ जाते ना, तुम आ जाता, तो हम उसे मतलब उसके दोनों लोकोमोटिव के बीच में फंस जाते और उनके साथ स्कैम करने की कोशिश करते, मतलब उनको डीकपल करते। यहाँ पे उत्कृष्ट कोच इसके साथ, यहाँ पे वेब फुल लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को लेके जा रहा है, तो यहाँ पे भी सीट का ऑप्शन आ रहा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं, ब्रिज आने वाला है तो ब्रिज पे से चढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिज थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और यहाँ पे बहुत कोशिश करना है हम, लेकिन ये चढ़ने नहीं दे रहा हमको। तो यहाँ पे चढ़ चढ़ चढ़, वी कैन डू इट मैन, वी कैन डू इट। बट यहाँ पे ट्रेन तो आधी चढ़ चुकी है लेकिन हम ऊपर नहीं चढ़ पा रहे। बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं मतलब चढ़ ही नहीं पा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाउंड्री बनी हुई है ब्रिज के दूसरी तरफ, मैं जंप करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं नीचे नहीं कूद पा रहा क्योंकि बाउंड्री बनी है। इस ट्रेन को भी हम नहीं जाने देंगे, इससे चिपक के रहना हुआ, नहीं तो हमें यहाँ पे पूरा ब्रिज हमें घूम के पैदल आना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे बीच में फंस जाते हैं, और ये व्यू देखिएगा, जब तो आप व्यू देखिए क्या गजब व्यू आ रहा है यहाँ पे, जब सामने से ट्रेन मुड़ेगी ना, टर्न जब लेगी, वो व्यू देखना गाइस, आप मज़ेदार व्यू आने वाला है एक नंबर। नीचे से अभी कोई ट्रेन हमें नहीं दिख रही जाते हुए, लेकिन ये देखो क्या टर्न लिया भाई साहब, मजा आ गया। वह फुल लोकोमोटिव हमारी उत्कृष्ट कोच को रेलवे जंक्शन पर लेके जा रहा है, और यहाँ पे शानदार तरीके से, लेकिन इसने गुस्सा दिला दी पूरी तरीके से, मेरा दिमाग खराब कर दिया इस ट्रेन ने और महामान एक्सप्रेस ने भी, क्योंकि ना तो उसने बैठने दिया ना इसने बैठने दिया। तो अब हम इसकी बैंड बजाएंगे, यहाँ पे आने दो एक आध ट्रैक चेंजर को। जैसे ही ट्रैक चेंजर के पास इसका लास्ट वाला कोच पहुंचेगा ना, ये रहा ट्रैक चेंजर, लास्ट वाला कोच जैसे ही आएगा पीछे से हम इसको डीकपल कर देंगे, सॉरी आई मीन ट्रैक चेंज कर देंगे। आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे बूम हुआ क्या, ओके गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बुरी तरीके से हमने ट्रैक को चेंज किया, और यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रेन, पीछे का जो कोच था ना वो टीरेल हो गया। आप ये देखिए पूरा हड़कंप मच गया प्लेटफॉर्म पे, पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन चढ़ चुकी है। आगे पूरी ट्रेन अच्छी थी लेकिन पीछे के सारे कोचेस टीरेल हो गए, क्योंकि पीछे वाले कोच पे मैंने यहाँ पे चेंज किया था ट्रैक को, ठीक है। आगे वाला लोकोमोटिव तो आगे भगी गया होगा, लेकिन ये पूरा हड़कंप मच गया पूरे रेलवे स्टेशन पे। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये देखिए मैंने बटन भी दबा के रखा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ, ये देखिए मेरा बटन जो ब्लू होकर रखा है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मेरा गेम हैंग कर गया क्योंकि एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ है। आप बताइए वीडियो कैसी लगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लाते रहता हूँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।